हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे क्लास क्लास 10th की केमिस्ट्री केमिस्ट्री को, जो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि 10वां का बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है, उसके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की पहली प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न कहता है, आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों से क्या पता चलता है, सॉरी आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वर्ग कहा जाता है, ऑप्शन बी आवर्त कहा जाता है, ऑप्शन सी अपरूप, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आवर्त कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आवर्त सारणी के, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं। ऑप्शन ए अम्लीय होते हैं, ऑप्शन बी क्षारीय होते हैं, ऑप्शन सी अक्रिय गैस, या ऑप्शन नंबर डी मिश्र धातु होते हैं। तो दोस्तों, 2 का राइट आंसर क्या होगा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय धातु होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के, सॉरी प्रथम वर्ग के सदस्य। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आवर्त, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व, आवर्त सारणी में किस समूह, कौन से समूह का शून्य समूह का तत्व होते हैं, कौन होते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन होते हैं, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी CaCl2। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी हीलियम इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर चार मेथेन कहता है मेथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन दो, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन नंबर डी 8। आइए देखते हैं चार का राइट आंसर। चार का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पाँच कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए परमाणु आयतन के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार है, ऑप्शन सी परमाणु घनत्व, या ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या। आइए देखते हैं 5 का राइट आंसर। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को क्या किया गया है? आवर्त फिक्स किया गया है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के अनुपात की संख्या का अनुपात क्या है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, या ऑप्शन नंबर डी 3:1। आइए जानते हैं 6 का राइट आंसर। दोस्तों, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1:3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सात कहता है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 25, या ऑप्शन डी 24। आइए देखते हैं लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या होती है। ऑप्शन ए 9 होती है, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन नंबर सी 11, या ऑप्शन नंबर डी 10। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। आठ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9
नंबर 9 कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों कितनी होती है देखने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओजोन को एक अणु में परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है। चलिए ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। क्या होता है O3, यानी कि 3। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन नंबर डी 4। आइए देखते हैं 10 का राइट आंसर। दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हीलियम गैस कैसा तत्व है, अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है। हीलियम गैस कैसा तत्व है, आइए देखते हैं हीलियम गैस कैसा तत्व है। दोस्तों 11 का राइट आंसर क्या होगा, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्रिय गैस है। कैसा है, अक्रिय गैस है हीलियम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यह हमने अभी बात की, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 का आता है त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए न्यूलैंड्स के द्वारा, ऑप्शन बी मेंडलीफ या ऑप्शन सी मोजले या ऑप्शन डी डोवे राइनर के द्वारा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा दिया गया था, डोवे राइनर के द्वारा गया था। किसके द्वारा, डोवे राइनर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौदह का था अष्टक के नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी मेंडलीफ के द्वारा, ऑप्शन सी डोवे राइनर या ऑप्शन नंबर डी न्यूलैंड्स के द्वारा। तो बताइएगा यार अष्टक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोवे राइनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का था मेंडलीफ की आवर्ती के नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनकी आवृत्ति फलन होता है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या की, ऑप्शन बी परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी आयतन या ऑप्शन नंबर डी परमाणु आकार। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परमाणु द्रव्यमान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 का। मेंडलीफ के तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए परमाणु संख्या, ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान या ऑप्शन नंबर डी संयोजकता के आधार पे। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु द्रव्यमान, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों का विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी नियत रहता है या ऑप्शन नंबर डी अनियमित तरीके से परिवर्तित होती रहते हैं। तो आइए देखते हैं 17 का राइट आंसर। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होता है, बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का होता है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर
बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीयता प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ जाती है, ऑप्शन सी परिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी अनियमित तरीके से बदलती रहती है। तो ये आइए देखते हैं तत्व के तत्व में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड में कैसी प्रवृत्ति आती है। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगी? अम्लीयता बढ़ती रहती है। कैसी होती है? अम्लीयता बढ़ती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन या ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। आइए देखते हैं 19 का राइट आंसर। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक क्षारीय धातु है? कौन सा अधिक क्षारीय धातु है? ऑप्शन ए कहता है Na2O, ऑप्शन बी कहता है Al2O3 या ऑप्शन नंबर सी कहता है SO2 या ऑप्शन नंबर डी कहता है NO2। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, Na2O। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आवर्त सारणी के समूह प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी के समूह प्रथम के तत्व क्या कहलाते हैं? सामान्य तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं या ऑप्शन डी लेंथेनाइडस कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्षार धातु कहलाते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? आवर्त सारणी में किस समूह का सदस्य है? कौन? मैग्नीशियम। ये जानते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए कहता है प्रथम समूह, ऑप्शन समूह दूसरा, द्वितीय समूह, ऑप्शन ये ऑप्शन सी धातु तत्वों का, ऑप्शन डी समूह आठवां। आइए जानते हैं इसका राइट आंसर। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? द्वितीय समूह। क्या हो जाएगा? द्वितीय समूह। मैग्नीशियम कौन सा आवर्त सारणी के द्वितीय समूह का तत्व है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है तत्व के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? किनके रासायनिक आचरण समान होंगे? ऑप्शन ए सोडियम एवं अल्मोनियम का, ऑप्शन बी कहता है आर्गन, यहाँ पे हो जाएगा पोटेशियम एवं आर्गन का, ऑप्शन सी कहता है बोरो एवं जर्मेनियम का, ऑप्शन डी कहता है नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन और फास्फोरस का। किसका हो जाएगा? नाइट्रोजन और फास्फोरस का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि आध्यात्मिक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है? ऑप्शन ए एस, ऑप्शन बी बी ई, ऑप्शन सी बी या ऑप्शन नंबर डी बी आर। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बी आर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पच्चीस कहता है आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है? ऑप्शन ए मेंडलिफ की, ऑप्शन बी लोथर मेयर, ऑप्शन डी कहता है लुइस पाचर या ऑप्शन नंबर डी क्या है मोजले। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मेंडलिफ इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक अधिक धात्विक गुणधर्म
को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर या ऑप्शन नंबर डी फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसका 26 का राइट आंसर, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा क्लोरीन इज द राइट आंसर, क्या होगा क्लोरीन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सत्ताईस कहते हैं, किसने किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है ना कि परमाणु द्रव्यमान। किसने कहा था? तो ऑप्शन ए कहता है लोथर मेयर, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी कहता है मेंडलीव या ऑप्शन नंबर डी बोर साहब ने कहा था। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा किसने कहा था, मोजले ने कहा था कि परमाणु संख्या है ना कि परमाणु द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म कैसे होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन, ऑप्शन बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ऑप्शन सी कहता है परमाणु आकार का आवर्त फलन या ऑप्शन नंबर डी परमाणु आयतन का आवर्त फलन। तो दोस्तों 28 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर उनतीस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर उनतीस कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी परिवर्तित होता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या होता है परमाणु आकार में परिवर्तन होता है, मतलब परमाणु आकार बढ़ता है इसके साथ बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं वुल्फगैंग डोबेराइनर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया से। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इकतीस कहता है मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1834, ऑप्शन बी 1835, ऑप्शन सी 1836 या ऑप्शन नंबर डी 1837, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 1834 इज द राइट आंसर 1834। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर बत्तीस कहते हैं भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 8। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितने सुर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी होते हैं ना सारे गामा पा धा नि सा, ये होते हैं हमारे भारतीय संगीत प्रणाली के। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर तैंतीस कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार से क्या पता चलता है? परमाणु का विकास की पता चलता है, परमाणु की त्रिज्या पता चलती है, परमाणु की परिधि या ऑप्शन नंबर डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, किसकी पता चलता है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। किसकी पता चलता है? परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एक पीएम मतलब पी को मीटर, क्या होगा एक पीएम मतलब
पिकोमीटर में कितने मीटर के बराबर होते हैं? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? ऑप्शन ए 10^-10 मीटर, ऑप्शन बी 10^-11 मीटर, ऑप्शन सी 10^-12 मीटर, या ऑप्शन नंबर डी 10^-13 मीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10^-12 मीटर के बराबर होते हैं। कितने? 10^-12 मीटर के बराबर होते हैं। कौन? एक पिकोमीटर बराबर 10^-12 मीटर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, आज की आखिरी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कहता है किसी तत्व की आवश्यकता कैसे निर्धारित की जाती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से किसी भी तत्व की आवश्यकता निर्धारित की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।